हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये नवरात्रि लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। तो मैं एक एंगुलर ब्रश के साथ आईब्रोज फिल कर रही हूँ। मैं आज बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी। अपने आईब्रोज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, बहुत लाइट लाइट सा ही मैं कर रही हूँ। सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं वीकली वीडियोज अपलोड करने का ट्राई करूँगी कि मैं वीक में 2 वीडियोज अपलोड कर पाऊँ। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। फिर अगेन मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज करूंगी। अब इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। अच्छे से ब्लेंड करना है।
तो जी ये हो गया हमारा, अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। मैं के ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ये दो पंप लिए हैं और इन्हें डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगाऊंगी, नेक पर भी लगाएंगे। अगेन हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जितना ब्लेंड करेंगे आपका उतना ही अच्छा मेकअप होगा। तो जी हमारी फाउंडेशन भी लग गई, अब हम लगाएंगे ब्लशर। ये मैं स्विस ब्यूटी का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा ब्लशर है ये, आप ले सकते हैं इसे। मैं डॉट डॉट करके लगा रही हूँ और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। तो जी ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम अपने मेकअप को सेट करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। मैं इसे अपने आईज के नीचे लगाऊंगी और इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि हमारी आईज सेट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। फिर मैं थोड़ा सा पूरे फेस पर भी इसे लगा लूँगी। तो इसके बाद हम अपने आई लुक को कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से काजल ले रही हूँ और उसे नीचे लगा रही हूँ। जैसे मैंने ऊपर आई शेडो लगाया था सेम नीचे भी हमें वैसे ही करना है। इसे भी मैं ब्लैक आई शेडो के साथ मर्ज करूंगी। तो जी ये भी हो गया है हमारा। उसके बाद हम ये पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे। फिर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर और उसे अपने आई कॉर्नर पे लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा लगता है और शाइन करता है, आपकी आंखें भी थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, ये मैं मार्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। मैं लगा रही हूँ रेनी की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक है ये, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी स्टे करती हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसमें दो शेड लगाने वाली हूँ। मैंने पहले ये थोड़ी लाइट शेड लगाई है, उसके बाद मैं एक ब्राउन शेड लूँगी और उसको थोड़ा सा डैब डैब करके ही लगाऊँगी बस।
और इससे काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। तो ये भी हो गया। अरे मस्कारा लगाना तो मैं भूल ही गई। तो चलिए अपने आईलैश को कर्ल कर लेंगे। आईलैश कर्लर के साथ और फिर लगाएंगे मस्कारा। आज मैं आईलैशेस भी लगाने वाली हूँ अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हम मस्कारा लगा लेंगे, फिर हम अपनी आईलैशेस लगाएंगे। मस्कारा अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पर ही लगाना है हमेशा। तो जी ये हो गया है हमारा मेकअप कंप्लीट। मैंने आईलैशेस भी लगा ली हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी इस मेकअप के साथ। तो अब हम पहनेंगे अपने इयररिंग्स, ज्वेलरी जो भी हमें पहननी है मैं वो पहन लूँगी। पहले मैं लगा रही हूँ ये ब्लैक कलर की बिंदी लगाऊंगी, मुझे ब्लैक कलर की बिंदी बहुत पसंद है। ये लग गया और हम पहनेंगे अपनी ज्वेलरी और थोड़े से बाल ठीक कर लेंगे। मेरे बाल को इग्नोर कीजिएगा गाइस, बहुत ही बुरे हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।